मिश्र जी, सबसे पहले आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी सबसे पहले मुख्य रीजन पूछा जाएगा, मेन रीजन राखी सावंत। यस, क्या कुछ कहना चाहोगे? कल रात को क्या हुआ था? इंस्टा हाइक हुआ था। ये मैं आपको कुछ सुनाती हूँ, एक मिनट। ये क्या है? पुलिस स्टेशन जा रही है कंप्लेंट लिखाने, सुबह 6 बजे मेरी फ्लाइट है सऊदी की, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। आदिल राष्ट्रीय शर्लिन चोपड़ा इन लोगों ने मिलके मेरा 10 मिलियंस का इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। इन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम उड़ा दिया है, आदिल राष्ट्रीय, क्योंकि आदिल आज मीडिया में सब जगह आज और कल दो दिन स्क्रीनशॉट दिखा रहा था, जान लिखा हुआ। किसी के पास अगर वो वीडियो है तो प्लीज पुलिस स्टेशन में दिखाना है, भेजे। आई रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ती मैं सबके। उन्होंने मेरा 10 मिलियंस का इंस्टाग्राम का आईडी उड़ा दिया है। मैं अभी पुलिस स्टेशन पहुंच रही हूँ, 5 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंच रही हूँ। तो आप लोग भी वहां पे थे, आपने भी सुना था सब कुछ? क्या क्या एलिगेशंस लगे हैं कल मुझ पर? लड़की का मानना है कि आपने आदिल और शर्ली ने मिलके अब उनका इंस्टा हैक कर लिया है। उन्होंने कहा उनका लॉगिन आपके पास है? जी, उन्होंने कहा उनका लॉगिंग और आईडी पासवर्ड मेरे पास है। तो मैं राखी सावंत को पूछना चाहती हूँ, उनका आईडी पासवर्ड उन्होंने मुझे किस तरीके से दिया था? क्या उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था? उन्होंने मुझे मैसेज किया था? उन्होंने मुझे मेल किया था? कैसे दिया था? प्रूफ करवाइए। किसी का आईडी पासवर्ड लेके किसी का इंस्टाग्राम उड़ाना ये कानूनी जुर्म है, और ऐसे ओछे काम मैं नहीं कर सकती। कुछ और? तो और क्या एविडेंस है आपके पास राखी के खिलाफ, जो वो एलिगेशन लगा रही है आपके ऊपर और आदिल के ऊपर? जैसे आप तीनों ने गैंग अप कर लिया है और उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, मेंटली हैरेस कर रहे हो। अच्छा, ऐसा राखी कहती है। मैं राखी के लिए कहती हूँ कि राखी मुझे हरास कर रही है, राखी मुझे मेंटली टॉर्चर कर रही है, राखी मुझे बदनाम कर रही है, राखी मुझ पर झूठे एलिगेशंस डाल रही है, राखी मुझे धमकियाँ दे रही है। राखी के वजह से मैं परेशान हो गई हूँ, वो इतना हरास कर रही है मुझे। क्या राखी ये कहती है कि सब लोग मिलके उसको पागल बनाना चाहते हैं? सच में आप ना, अगर राखी सच बोलना स्टार्ट कर दो तो आपको ये सब एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप मुझे पागल बनाना चाहती हो। आप ये चाहती हो कि मेरा जो बिजनेस चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। आपको ये लगता है कि राश्री अपने नेल आर्ट स्टूडियो के दम पे है जो कुछ भी, और ये बात सच है। मैंने बहुत मेहनत की है, इस वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, नेल आर्ट स्टूडियो के वजह से ही हूँ। लेकिन आप इसको क्यों ख़त्म करना चाहती है, बताइए? मैंने किया क्या है आपके साथ? मैंने ऐसा क्या किया है? ऑलवेज मैंने आपका साथ दिया था, आपका एक कवच बन के मैं खड़ी थी। मैंने ऐसा आपके साथ क्या गलत किया राखी सावंत, जो आपने मुझे इतनी गंदी गंदी धमकियाँ दी है, मुझे बर्बाद करने पे तुली हो? रोज़ एक नया एलिगेशन लगाती हो आप, रोज़ एक नया एलिगेशन। परसों कुछ और बोला आपने मेरे बारे में, कि व्हाट कुछ बोला था उन्होंने, ब्रांडिंग को लेके कुछ बोला था। क्वेश्चन उठाया था आपके ब्रांडिंग, मेरे ब्रांडिंग पे आपने लगाया था ना जी, बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रांडिंग क्यों लगाया? बिल्कुल, आज हम हमारे नेल आर्ट स्टूडियो में है, ठीक है, ये मेरा नया ब्रांच है, ब्रांडिंग अभी आपने देखी बाहर लगी हुई है। तो ये मेरा नेल आर्ट, मेरा ब्रांड है, नेल आर्ट स्टूडियो मेरा ब्रांड है। क्या मुझे बताइए, ये कहाँ से ये कहलाती है, कह सकते हैं सॉरी, कि ये कानूनी गुनाह है, ये क्राइम है? खुद का ब्रांड शो करना ये क्राइम है। मैं अपने नेल आर्ट स्टूडियो की टी शर्ट पहन सकती हूँ, जैसे कि सब बड़े बड़े ब्रांड करते हैं और करना भी चाहिए। मैं अपने नेल आर्ट स्टूडियो का टैटू बना सकती हूँ, मैं अपना नेल आर्ट स्टूडियो फोरहेड पे लिखवा सकती हूँ राखी सावंत। और जो आपके वो नए वकील है ना, जिनको लगता है, जिन्होंने
अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, वकालत अच्छे से नहीं की है, जो आपको पटिया पढ़ाते हैं वो ऑन कैमरा, उनको ये भी नहीं पता चलता है कि कैमरा स्टार्ट हो चुका है और सब कुछ सबको सुनाई दे रहा है। मैं आपको एक सबूत देती हूँ। आईफोन का मुझ पर जो झूठे एलिगेशंस लगते हैं, क्या राश्री ने मेरे घर में चोरी की, आदिल का पासपोर्ट चोरी किया, अब इसका सबूत देखिए। अगर राश्री ने उनके घर जाके पासपोर्ट चोरी किया होता तो फ्रंट ऑफ मीडिया कैमरा जब ऑन हो चुके हैं तो वहाँ पे उनके वकील को राखी को सिखाने की ज़रूरत क्या है, पट्टी पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? ये देश का कानून है, ये ऐसे एडवोकेट है जो ये सब कुछ करवाते हैं अपने क्लाइंट से झूठ बोलने के लिए। वाव, ये देखिए। सीधा इनके एडवोकेट का नाम क्या है, ये दिखने में सुंदर है, इसको अक्कल वक्कल नहीं है, क्या है, काशिफ, ओके। ये काशिफ जी उनको पट्टी पढ़ा रहे, सीधा सीधा ये वो बोल रहे, कहाँ गया, कि आप एक काम करो, आप बोलिए कि वो आपके घर पे आके पासपोर्ट चोरी करके लेके गई है। ये मैं आपको इतना क्लिप निकाल के दे देती हूँ, तो यहाँ इस पूरी आवाज़ नहीं आ रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है, आप लोगों ने सुना था। ये देखिए, बोलना मेरे साथ विश्वासघात किया है, पासपोर्ट मेरे पास था नहीं और मेरे घर पे आके चोरी करके लेके गई है, ऐसा बोलो। अब मेरे पास एक चीज और है, जैसे कि राखी सावंत ने कहा कि आदिल जेल से बाहर आए और आदिल ने उनको कॉल किया और उन्होंने बोला मेरा पासपोर्ट कहाँ पे है, देन राखी ने बोला नहीं मैं ढूंढ रही हूँ, मिसप्लेस हो गया, फिर मुझे पता चला कि राश्री ने मेरे घर पे आके पासपोर्ट चोरी किया। हमारे पास एक ऐसी चैट है जिसमें राखी ने आदिल को बोला है तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, तो उसने सीधा सीधा आदिल को क्यों नहीं बोला कि मिसप्लेस हो चुका है, चोरी हो चुका है, ये सारी चीज़ें उसने क्यों नहीं की? आप वो चैट देखना चाहेंगे? सॉरी, मैं थोड़ी तैयारी कम करके आई थी।
जी मुझे वो चैट का फोटो चाहिए, अभी तक मेरे पास आया नहीं है, जो राखी ने बोला था कि आदिल का पासपोर्ट उसके पास नहीं है। आपके पास है तो मुझे फटाफट भेज दीजिए, नहीं उठा रहे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी उसको बोले जल्दी भेजे, मैं यहाँ प्रेस में हूँ। जब तक वो फोटो आता है, आपके कुछ और क्वेश्चंस? जैसे ये अभी राखी आउट ऑफ इंडिया चले गई है जी, तो आपको क्या लगता है कल रात को अचानक रात में आधी रात में